हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। समाजवादी पार्टी के महासचिव एजाज खान ने कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने वक्तव्य से दो समाज के बीच तनाव निर्माण करने का काम किया है। उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वे प्रेस परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिदों से भोंगे नहीं उतारे जाएंगे और जब तक ठाकरे पर सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा। भोंगे की आवाज से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता और ठाकरे वैज्ञानिक न बने। जो व्यक्ति जाति व धर्म के नाम पर वाद निर्माण करने का प्रयास कर रहा है उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। एजाज ने कहा कि मस्जिद में केवल 5 से 7 मिनट लाउडस्पीकर का उपयोग होता है, इसके उलट अन्य धार्मिक स्थलों में घंटों उपयोग किया जाता है। यह श्रद्धा का भाग है और इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर वाद नहीं बढ़ना चाहिए। एजाज ने कहा कि राज ठाकरे को ईडी सीबीआई का डर होगा तभी वे भाजपा के ताल पर नाच रहे हैं। भाजपा भी मौके का राजनीतिक लाभ लेने के लिए मामले को हवा दे रही है। राज्य में भाजपा का शासन नहीं है। भीषण गर्मी के चलते सभी घरों, दुकानों, शोरूम्स, कार्यालयों में कूलर और एसी बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं। इसके चलते ट्रांसफार्मरों में लोड बढ़ गया है। अत्यधिक लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं भी बढ़ गई है। उत्तर नागपुर के कुछ इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने के मामले अधिक हो रहे हैं। एक बिजली कर्मचारी ने बताया कि अशोक बाजार और चौधरी चौक में बीते 3 से 4 दिनों में 5 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। उसने बताया कि गर्मी के दिनों में ट्रांसफार्मर पर लोड दोगुना हो गया है, इसके चलते खराबी आ रही है। बार बार मरम्मत या ट्रांसफार्मर को बदलने की जरूरत पड़ रही है। स्टाफ की कमी के चलते भी सुधार कार्य आदि में दिक्कत आ रही है। जो तकनीकी स्टाफ है उस पर भी काम का लोड कई गुना बढ़ गया है। महावितरण हमेशा ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और नए ट्रांसफार्मर लगाने का दावा करती रही है लेकिन उसकी पोल खुलती जा रही है। पिछले 2 वर्ष कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन के बाद आज अक्षय तृतीया पर देश भर के सराफा बाजार में काफी गहमागहमी दिखाई दी, जिसके कारण इस बार सराफा कारोबारियों ने बड़ा व्यापार किया और अक्षय तृतीया पर ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ने हल्के जेवरों की अच्छी रेंज का व्यापार किया। यह बताते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल तथा देश के ज्वेलरी व्यापार के शिखर संगठन ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा ने कहा कि 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज देश भर में सोने चांदी का लगभग 15,000 करोड़ का व्यापार हुआ। अक्षय तृतीया को भारत में बहुत शुभ दिन माना जाता है और इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर एवं व्यापार में बरकत होती है, ऐसी मान्यता है और इसलिए ही यह दिन सोने चांदी के व्यापार के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने कुबेर को खजाना व माता लक्ष्मी को धन की देवी होने का आशीर्वाद दिया था। गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तहसील के धोड़राज पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत आने वाले नीलगुंडा जंगल परिसर में मंगलवार 3 मई को सुबह पुलिस नक्सल मुठभेड़ में एक पुलिस जवान घायल हो गया। मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली। घायल जवान का नाम राकेश उपाध्याय है। घायल जवान को उपचार के लिए नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनसे के 239 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की 3 मई को होने वाली राज्यव्यापी महाआरती रद्द कर दी गई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की थी। बाद में यह महाआरती 4 मई को करने का निर्णय लिया गया। जिन मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे रहेंगे उनके सामने ही लाउडस्पीकर लगाकर जोरदार आवाज में हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। इसके मद्देनजर जहां उपराजधानी में मस्जिदों के पास पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, वहीं 239 लोगों को विविध धाराओं के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 639 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार की महाआरती की अनुमति पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कानून सुव्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्य करे, शांति भंग करने का प्रयास करने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का मानस बनाया है, चाहे फिर वह बड़े नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता। वर्धा जिले के सेलू तहसील के झड़सी गांव में 32 वर्ष पूर्व के पट्टे के वितरण की समस्या पालक मंत्री सुनील केदार के पहल से कुछ ही माह में हल हो गई। गत अनेक वर्षों से पट्टे की प्रतीक्षा में रहे नागरिकों को जमीन के पट्टे सहित आवास मंजूरी के आदेश भी पालक मंत्री सुनील केदार के हाथों झड़सी गांव में ही वितरित किए गए। कार्यक्रम में पालक मंत्री सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे, उप विभागीय अधिकारी सुरेश बगले, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष विजय जायसवाल, पूर्व नगराध्यक्ष शेखर शेंडे, तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी, सरपंच शुभांगी हल्दे, मनोज चांदूरकर, शैलेंद्र दफ्तरी, सौरभ शेलके, गौरव देशमुख आदि उपस्थित थे।
बता दें कि सेलू तहसील के झड़सी गांव में कुछ वर्ष पूर्व गौठान विस्तार के लिए किसानों की ओर से जमीन संपादित की गई थी। इसमें के कुछ किसानों ने जगह संपादित करने के बाद भी परस्पर बिना अनुमति प्लॉट डालकर इसकी बिक्री की। इस कारण गौठान के जरूरतमंद लोगों को पट्टे वितरण नहीं किए गए। इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई कर जरूरतमंदों को पट्टे वितरण करने के निर्देश पालक मंत्री सुनील केदार ने दिए थे। इसके बाद इस प्रकरण में गति से कार्रवाई की गई। दोपहर तेज धूप के बाद शाम को हवा चलने लगी, आसमान में बदली छाई और उपराजधानी में कहीं कहीं हल्के छींटे महसूस हुए। तेज गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली और लोगों को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। गर्मी के मौसम की मार झेल रहे विदर्भ के वर्धा, अमरावती व यवतमाल जिले के कुछ हिस्सों में मंगलवार को कुछ देर के लिए बारिश हुई। इससे थोड़े समय के लिए नागरिकों को राहत मिली। अमरावती के परतवाड़ा में तेज आंधी के साथ दोपहर के समय हुई बारिश में सड़क किनारे के वर्षों पुराने नीम के पेड़ जमींदोज हो गए। इधर यवतमाल में मंगलवार शाम 5 बजे के बाद 10 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। जिले के कलम तहसील में भी बारिश हुई। नागपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक कृष्णनाथ पाटिल के सक्षम मार्गदर्शन से टिकट जांच कर्मचारियों को शानदार सफलता मिली। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले महीने अप्रैल में कुल 71,000 मामलों से रेलवे ने कुल 4,93,08,000 रुपए की कमाई की। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी अवधि में कुल 14,360 मामलों से 93,40,000 रुपए की आय अर्जित की थी, जिससे मामलों में 395% की बढ़ोतरी हुई और राशि में 428% की सकारात्मक वृद्धि टिकट जांच से प्राप्त हुई है। जरीपटका पुलिस की टीम ने एक महिला के खोए हुए बैग को सीसीटीवी कैमरे की मदद से ढूंढकर उसे महिला को वापस किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल 2022 को शुभांगी अरुण कुमार गोस्वामी शादी की सालगिरह के चलते नागपुर ट्रेन से आई थी। नागपुर स्टेशन से वह अपने घर जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुई थी। इंदौरा चौक पर वह सवारी ऑटो से उतर गई, परंतु उसका एक बैग ऑटो में ही रह गया था। ऑटो चालक उसे जरीपटका इंदौरा चौक पर छोड़कर वापस चला गया। इस बैग में महिला के सोने चांदी के करीब 44,000 रुपए का माल मौजूद था। इस महिला ने तब जरीपटका पुलिस थाने आकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने चोरों की तलाश करने के लिए करीब 34 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसके बाद ऑटो का नंबर प्राप्त कर आरटीओ से उसके मालिक का पता किया। यह ऑटो मनोहर बलिराम मंडपे नामक व्यक्ति के नाम पर था। उसका पता लगाकर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि महिला को छोड़ने के बाद जब उसे थोड़ी देर बाद उसके बैग के ऑटो में छूट जाने का पता चला था, सुबह दोबारा इंदौरा चौक पर पहुंचा था, तब तक महिला वहां से चली गई थी। ऑटो चालक ने बताया कि उसका बैग सुरक्षित है। उसके बाद उसने पूरे माल सहित उसके बैग को पुलिस थाना लाकर महिला के हवाले किया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,909 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 3,80,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 74,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 38,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। मस्जिद गरीब नवाज बोरियापुरा में ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर ऑरेंज सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद शानू ने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए देश में अमन व शांति के लिए दुआ की। इस अवसर पर अनिस खान, साबिर अशरफी, शोहेल अंसारी, सुल्तान अशरफी, राजा गाजी, दानिश अली, खादिम पहलवान, हसन रजा चिश्ती, एफज पटेल, बोनी, शारजिल शेख, शाहिद अंसारी आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर पालक मंत्री सुनील केदार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय विविध पुरस्कार व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सचिन उम्बासे, एसपी प्रशांत होलकर, अतिरिक्त जिलाधिकारी मनोज कुमार खैरनार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बढ़े, निवासी उप जिलाधिकारी प्रवीण महिरे उपस्थित थे। जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने किए उत्कृष्ट काम के लिए सैनिक कल्याण विभाग के संचालक के स्मृति चिन्ह पालक मंत्री के हाथों जिलाधिकारी को देकर सम्मानित किया गया। शहीद सिपाही हरि पांडुरंग जी लाखे की वीर माता सीताबाई लाखे, शहीद सिपाही अमित विनायक टिपले की वीर माता नलिनी टिपले, शहीद सिपाही संजय कुमार चौधरी की वीर पत्नी जयश्री संजय कुमार चौधरी का पालक मंत्री सुनील केदार के हाथों शॉल देकर सत्कार किया गया।
गोंदिया जिले के नक्सलग्रस्त भाग में कठिन काम करने के लिए रिजर्व पुलिस निरीक्षक कमलाकर घोटेकर जिले के 8627 बचत समूहों को 196 करोड़ के कर्ज वितरण में काम करने के लिए जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक वैभव लाहनी का भी सत्कार किया गया। आदर्श पटवारी के रूप में चयनित भारसवाड़ा के पटवारी बीएम बंसोड़ का गौरव किया गया। मंडल अधिकारी दत्ता तड़स की ऑन ड्यूटी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी कल्पना तड़स को 50 लाख रुपए की मदद पालक मंत्री सुनील केदार के हाथों दी गई। जलापूर्ति योजना के लागू होने से ग्रामीणों को लंबे समय से परेशान कर रही पेयजल की समस्या खत्म हो गई है। इस आशय के विचार पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय विकास खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अलावा जल्द ही ग्राम की कब्रिस्तान की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। गोदनी रेलवे जलापूर्ति योजना के लोकार्पण समारोह के अवसर पर वे बोल रहे थे। समारोह में जिला परिषद सदस्य कुंदा राउत, पंचायत समिति सदस्य रूपाली मनोहर, अपर्णा राउत, पूर्व जिला परिषद सदस्य ज्योति राउत, सरपंच दीपक राउत, बिड़वाईकर आदि उपस्थित थे। केदार ने कहा कि इससे पूर्व गोदनी परिसर के ग्रामीणों को गोरेवाड़ा से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। अब इस योजना से नागरिकों को भरपूर पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब पदाधिकारी जन कल्याण की विरासत को आगे बढ़ाए और उसे अमल में लाए। क्योंकि गोदनी रेलवे एक सब अर्बन ग्राम पंचायत है, इसलिए जल सुविधाओं और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों पर अधिक जोर दिया जाए। जिला परिषद द्वारा लागू की योजना में जरूरतमंदों को गाय और बकरियों के वितरण की पायलट परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में मदद मिलेगी। ईद उल फितर के मुबारक मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग व मुस्लिम यूथ लीग नागपुर द्वारा सारे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद दी गई तथा देश में अमन शांति भाईचारा व आपस में मोहब्बत से रहने की दुआ की गई। इस अवसर पर असलम खान मुल्ला प्रदेश अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र प्रदेश, जुबैर खान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुस्लिम यूथ लीग, मोहम्मद नियाजुद्दीन, हाजी कलाम अंसारी, अजीज खान, शाहबाज खान, सलमान रजा, इरशाद खान, शमीम अंसारी, सोहेल खान व अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। जूनी मंगलवारी झंडा चौक पर फतेहाब मस्जिद के सामने ईद उल फित्र के अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाब के फूल देकर शुभकामना दी। इस अवसर पर लकड़गंज पुलिस थाने के निरीक्षक पराग कोटे, अमिता रायपुरकर, समाज सेवक विनोद इंगोले, शेख शफीक, शेख मुस्तान, शेख अफजल, शेख रियाद, शेख समीन, शेख यूनुस, आशीष मोरे, किरण सुरसे, विष्णु सिन्हा, जुबेर आदि उपस्थित थे। रमजान ईद के दिन कुक्कू मारवा ने अनवर भाई, आबिद, असलम भाई और उनके परिजनों को उनके घर जाकर रमजान ईद की बधाई दी। उनके साथ अन्नू गुरनानी और हरजानी भाई भी साथ थे। कुक्कू मारवा ने रमजान ईद के अवसर पर नागपुर शहर के सभी मुस्लिम बंधुओं को ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वाड़ी ब्राह्मण समाज के आराध्य देवता भगवान परशुराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर भारतीय सभा वाड़ी शाखा द्वारा दत्तवाड़ी साहू लेआउट स्थित बाके बिहारी मंदिर में भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और मंदिर में प्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, श्री राजपूत करणी सेना हिंगना, विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, ब्राह्मण सेना वाड़ी के अध्यक्ष राजू मिश्रा, पीएस तिवारी, अरुण त्रिपाठी, सकलू शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला, भावेश सिंह, श्यामलाल भार्गव, सुनील मिश्रा, हेमंत भार्गव, विशाल भार्गव, अंजनी मिश्रा आदि उपस्थित थे। प्रभाग 22 में नवाबपुरा बगीचा और दरगाह परिसर में कई दिनों से नलों से दूषित जलापूर्ति हो रही है। इसके बारे में समाज सेवक विनोद इंगोले ने महल में अधिकारियों को बताया। समस्या का समाधान न होने से इंगोले ने मनपा आयुक्त को समस्या से अवगत कराकर ज्ञापन सौंपा। बार बार नल को दूषित पानी आने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग विनोद इंगोले ने की, अन्यथा मनपा के कार्यकर्ता अभियंता के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर विनोद इंगोले, संतोष भोसले, प्रियदर्शन कडू, सोनाली पोकड़े, कोरडे, राहुल शेटे, कढ़व, गजानन ढेगे, रविंद्र ढोले, संदीप डहाके, वंदना पलांदुरकर, विनोद शर्मा, सारंग पिंपलकर, अमोल लांबे, अचल ठाकरे, नरेश शेलके, राजेंद्र ठाकरे, विजय यादव, गणपत केने, दीपक चाचेरकर, मदन ढोरे, सुरेश सागले, संध्या चौधरी, तारा भोसले, मुक्ता शेटे, संगीता पोकड़े, धनश्री पोकड़े, विलास अतकरे, प्रकाश पोकड़े, राजेश ठाकरे, दिगंबर नाईक, मधुकर वांड्रे, रुपेश कडू, मंदा कोरडे, प्रियंका नगरारे आदि उपस्थित थे। तुलसीनगर जैन समाज के तत्वावधान में तुलसीनगर गार्डन में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया।
कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा, महावीर यूथ क्लब के सचिव प्रशांत मानेकर व प्रशिक्षक संतोषी सोनी मंच पर उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत विनोद जैन, अरविंद जैन, शैलजा जैन, आशीष जैन व प्रीति जैन ने किया। जनार्दन स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शिविर की शुरुआत हुई। अपने संबोधन में कला मंच के नरेंद्र सतीजा ने कहा कि बच्चों में बाल्यावस्था से ही योग की आदत डालें, स्कूलों में भी एक पीरियड योगा का भी होना चाहिए। प्रशांत मानेकर ने आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन आशीष मोदी ने किया और विनोद जैन ने मान्यवरों का आभार माना। कार्यक्रम में सुरेश दुर्गे, गौरी महाजन, डॉक्टर संतोष मोदी, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर दिनेश टन्ना, शरद मोदी, सीए संदीप जैन, योगेश जैन, विनीता जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। रमजान ईद के अवसर पर शांतिनगर में मुस्लिम बंधुओं ने बांगड़े प्लॉट स्थित मस्जिद फैजुल ताज में सुबह नमाज अदा कर ईद के पावन पर्व पर एकता व भाईचारे का पैगाम दिया और देश में एकता, अमन व भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर शांतिनगर थाने के पीआई सुनील चौहान ने सभी समाज बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष इरशाद अली मित्र परिवार की ओर से पीआई का शॉल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। अली ने कहा कि ईद का पर्व हमें एकता और भाईचारे का पैगाम देता है, यह सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। इस अवसर पर सैयद लियाकत अली, शेख शरीफ, सलीम भाई केबल वाले, राजू भाई, हारून शेख, मुन्ना भाई, नदीम खान, जबीर शेख, अमीन शेख, साजिद अमन खान शेख, मुजाहिद अली, आबिद शेख, सदीक मिर्जा, अदनान खान, आसिफ शेख, जावेद अली, अनिश शेख, हुसैन शेख, जुबेर शेख, उवेश शेख, इमरान शेख, मोहम्मद नवाज, असीम अली, यूनुस शेख आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।